हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं भी स्वागत कर रहा हूँ आपका टेक्निकल एम यूट्यूब चैनल के अंदर। गाइस, आज की स्टूडियो के अंदर मैं आपको एक कटर बनाकर दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आपके पास इस तरीके की कटर तो होते ही हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं और जो इनकी ब्लेड है वो टूट जाती है और जो कटर भी हमारा टूट जाता है तो कोई काम नहीं करता वो। तो आज इन जो ब्लेड है इनका यूज़ करने वाले हैं और एक नया कटर हम बनाने वाले हैं। काफ़ी छोटी सी वीडियो होने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो मेरे पास इस तरीके के पुराने कटर है जो कि देख सकते हो, जो ये नया कटर है ये भी आगे से जो कि टूट चुका है। तो गाइस, इसके अंदर देख सकते हो दूसरे वाले के अंदर जो इसकी ब्लेड है वो मैंने निकाल ली है, तो ये ख़राब हो चुकी थी। इस तरीके से देख सकते हो, एक ब्लेड ये है और एक मैंने जो कि बड़ी रखी है कट करके, तो ये ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने इसके थोड़ी सी जो धार लगा ली है जो कि पत्थर पर आप घिस सकते हो इसको, तो इस तरीके से काफ़ी ये अच्छी घिस जाएगी। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन कटर का यूज़ कर सकते हो। तो ये ब्लेड है तो इनका ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए जो कि मैं MDF बोर्ड ले रहा हूँ जो कि आपको ईजिली घर में मिल जाएंगे, या आप PVC पाइप की शीट का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले जो इसकी लेंथ है वो दिखा देता हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो आप देख सकते हो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप इजीली अपने हिसाब से ले सकते हो जितना आपके जो हाथ के अंदर ही आ जाए। तो सबसे पहले मैं जो MDF बोर्ड है इसको मैं कट कर लेता हूँ। तो ये जो आरी की मदद से अच्छी तरीके से कट हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हो जो कि मैंने अच्छी तरीके से इसको कट कर दिया है। अब हम इसके जो दो पार्ट कट करेंगे इसके अंदर से, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर। तो आपको यहाँ पर जो कि मार्कर से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो ब्लेड है वो ईजिली इसके अंदर आ जाएगी। तो हम इसको भी जो कि जो आरी की मदद से कट कर लेंगे तो ईजिली इससे कट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से इसको कट कर देता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से। तो गाइस, देखते हो मैंने दो पीसेस इसको कट कर लिया इस तरीके से, और आप इसकी थोड़ी शाइनिंग भी कर सकते हो। तो मैं आगे वीडियो के अंदर आपको दिखा दूंगा शाइनिंग करके। तो सबसे पहले जो कि हम इस ब्लेड को इसके ऊपर चिपका देंगे इस तरीके से। तो हम फेविक्विक से अगर इसको चिपकाएंगे तो काफ़ी अच्छा ये वर्क करेगा जो हमारा कटर है, और हमारा जो कटर है वो रीयूज़ हो जाएगा एक तरीके से, और काफ़ी अच्छा इसका यूज़ होने वाला है। और आप इसको घर पर ईजिली यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ के अंदर, और आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है इसको, किसी भी चीज़ आप फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर मैं जो कि पुराने कबाड़ से नई नई चीज़ें लाता रहता हूँ इस चैनल पर मैं। तो इस तरीके से देखते हो आपको जो ये ब्लेड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चिपकानी है। आपको थोड़ी सी भी इसके अंदर कंजूसी नहीं करनी है, मतलब फेविक्विक आपको अच्छी तरीके से इसके अंदर चिपका देना है। तो यहाँ पर जो ये ऊपर का पार्ट है ये भी मैं जो कि फटाफट से लगा देता हूँ। गाइस, देख सकते हो अच्छी तरीके से मैंने इसको चिपका दिया। हम इसको थोड़ी देर सुखा देते हैं। तो गाइस, देख सकते हो ये सूख कर एकदम तैयार हो चुका है, और मैंने इसकी थोड़ी शाइनिंग भी कर दी है आपके सामने देख सकते हो। और इस जो ब्लेड है इसकी भी मैंने थोड़ी शाइनिंग कर दी है जिससे कि और इसकी धार हो जाए, तो इसलिए देख सकते हो इसकी काफ़ी अच्छी धार हो चुकी है। इसको कुछ भी हम कट कर सकते हैं, उसका लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और आप इसको अगर 1-1.5 घंटे सुखा देते हो अच्छी तरीके से एकदम, तो एकदम पक्का हो जाएगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कट करके MDF बोर्ड को। तो देख सकते हो ये MDF बोर्ड है, तो मैं आपको इसको कट करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको अच्छी तरीके से इसको कट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं जो कि यहाँ पर जो स्केल है वो ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो अगर आप 5 से 6 बार करते हो तो ये MDF बोर्ड ईजिली कट हो जाएगा, मैंने 2 बार किया है। तो यहाँ पर आप इसकी जो लाइन देख सकते हो काफ़ी अच्छी अंदर तक जा चुकी है, और आप दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, साइड से भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो अच्छी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ दोनों तरफ से कट करके, ये इसकी जो आप धार देख सकते हो, और आप इसको पत्थर पर इजीली कट कर सकते हो, मतलब पत्थर पर आप इसको थोड़ा और रफ कर सकते हो जिससे कि इसकी धार काफ़ी हो जाए। तो मैं आपको पेपर कट करके भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो पेपर कितनी अच्छी तरीके से कट हो चुका है। और आप कोई भी क्राफ्ट का यूज़ कर सकते हो, ये जैसे आप कुछ भी अगर काम करते हो छोटा मोटा तो उसमें अंदर आया काम हो जाएगा अच्छी तरीके से आपका, और काफ़ी अच्छा ये कटर।
तो फाइनल गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को बोलो फटाफट सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, जैसे कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। चलो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के अंदर।